हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम करते हैं लाइफ साइंस के फर्स्ट चैप्टर का अगला पार्ट। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में हम सिर्फ इस चीज़ को ही पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स और तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर है। ठीक है, इसके काम में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हॉर्मोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो काफ़ी क्लियरली मैंने किताब का लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया है और समझाया है। ठीक है, हॉर्मोन्स के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था वो तंत्रिका तंत्र के ऊपर था, उसमें भी मैंने आपको किताब से एकदम पूरा लाइन टू लाइन समझाया है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, सारे वीडियोज़ के लिंक। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर होता है। सबसे पहला, हार्मोन क्या है। हार्मोन द्वारा क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण अत्यंत मंद गति से होता है। हार्मोन जो भी वो काम करता है या जिस भी क्रिया को वो करने की कोशिश करते हैं या कराते हैं, वो सब बहुत धीरे धीरे होता है और उसका नियंत्रण भी काफ़ी धीरे होता है। इसके ठीक उल्टा तंत्रिका तंत्र जो है, वो जो भी उसका काम है, जो भी नियंत्रण और समन्वय का काम है, ये बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, जैसे जैसे जब आप मच्छर की बात है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मच्छर जैसे काटा वैसे ही हमारा हाथ जो है पहुंच जाता है। ये क्या है, बहुत स्पीड में सारा काम प्रोसेस और आपका रिएक्शन सब कुछ हो गया बहुत तेज़ी से। लेकिन हार्मोन का जो संचालन होता है और इसका जो नियंत्रण होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या फिर यहाँ पे इस डिफरेंस में ऐसा क्यों लिखा है। ओके, अगला देखिए क्या है। हार्मोन द्वारा पेड़ पौधों और जंतुओं अर्थात सभी सजीवों में रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ रासायनिक समन्वय की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगला है तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक इसी पर क्या है कि केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा भौतिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। ठीक, पौधों और जंतुओं सभी सजीव में हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय होता है, लेकिन जब तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो जाहिर सी बात है दिमाग सभी में नहीं होते, पेड़ पौधों में दिमाग नहीं होते हैं, छोटे जीवों में दिमाग नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग कि उच्च वर्गीय जितने सारे जंतु हैं उनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और इसका काम क्या है, भौतिक समन्वय करना। ठीक है, ये हमारे किसी शरीर के रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते या फिर कुछ ऐसा नहीं करते कि इनमें रिएक्ट हो या फिर किसी चीज़ से ये रिएक्ट करके कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं, सिर्फ भौतिक समन्वय स्थापित करते हैं, हमारे शरीर के अंगों के बीच में क्या काम है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट अगला, हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्रिया के बाद नष्ट होकर उस स्थान से उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक, और वहीं तंत्रिका तंत्र जो है वो चिरस्थायी, जब तक जिंदा है तब तक तंत्रिका तंत्र मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तंत्रिका तंत्र ना हो और कोई इंसान या कोई भी चीज, कोई इंसान जो है वो जिंदा रहे। तो हार्मोन क्या है, क्रिया के बाद तुरंत नष्ट हो जाते हैं, बहुत कम मात्रा में शरीर में ये निकलते हैं और बहुत जल्दी काम करके ये अपना शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वही तंत्रिका तंत्र जो है वो हमेशा के लिए शरीर में बना रहता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, हार्मोन का स्थानांतरण एवं क्रियाओं का नियंत्रण पौधों में, जल एवं जंतुओं में रक्त के माध्यम से होता है। तो हार्मोन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा करके काम करेंगे, इसमें पेड़ पौधों में इसका नियंत्रण पानी से होता है, मतलब जाना आना और कोई काम करना, वो सारी चीज़ें पेड़ पौधों में पानी के माध्यम से होती हैं, और जंतुओं में ये माध्यम रक्त होता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा क्रियाओं का नियंत्रण संवेदी एवं चालक तंत्रिकाओं द्वारा होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। राइट, न्यूरॉन कहते हैं। हाँ, तो ये रहा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के बीच में अंतर। ओके, बाकी के चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।